मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के इटारसी रेलवे स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अपने राज्य लौट रहे मजदूरों के बीच खाने की लूट मच गई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अपने राज्य लौट रहे मजदूर प्लेटफॉर्म पर खाने पीने का सामान लूटते दिखाई दिए, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। मजदूरों के हाथ जो लगा वो लेकर चलते बने। कुछ मजदूर तो खाने के सामान के लिए एक दूसरे से छीना झपटी करते नजर आए। खाने का सामान लूटने के चक्कर में मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख दिया। हालांकि कुछ मजदूर मुंह पर मास्क लगाए दिखे। इस बीच वहां मौजूद रेलवे का एक कर्मचारी घटना का वीडियो बनाने के लिए कहता सुनाई दिया। इस घटना से पहले कुछ लोग खाने का सामान देखकर प्लेटफॉर्म पर जमा हुए मजदूरों को रोकने की कोशिश करते दिखाई दिए। तभी एक मजदूर खाने के सामान का पैकेट उठाकर वहां से चलता बना, जिसे देखकर वहां खड़े दूसरे मजदूरों के बीच खाने पीने का सामान लेने की होड़ मच गई। इसके बाद मजदूरों को रोक रहे लोग वहां से हट गए। मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर योगी सरकार और राज ठाकरे आमने सामने आ गए। महाराष्ट्र से लाखों की तादाद में मजदूर उत्तर प्रदेश लौट रहे हैं और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब अगर किसी प्रदेश को उत्तर प्रदेश के मजदूरों की जरूरत होगी तो उसे पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी, जिसके जवाब में राज ठाकरे ने बयान जारी किया कि अब उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र आने वाले मजदूरों को भी राज्य सरकार से इजाजत लेनी चाहिए। यही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि इन मजदूरों को वापसी के लिए महाराष्ट्र की जनता से भी परमिशन लेनी चाहिए और अगर कोई भी मजदूर उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र आता है तो उसे पुलिस के पास अपनी फोटो और डॉक्यूमेंट जमा कराना चाहिए। इसराइल के सुरक्षा बल ने ईद के मौके पर ऐतिहासिक अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना की वजह से इसराइल में लॉकडाउन लागू है, जिसकी वजह से यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद भी बंद है, लेकिन कुछ लोग वहां ईद के मौके पर नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गए, जिनकी इसराइल के सुरक्षा बल से झड़प शुरू हो गई। जवान नमाज पढ़ने आए लोगों को मस्जिद में घुसने से रोकने लगे, जिसके बाद दोनों तरफ से धक्का मुक्की शुरू हो गई। बड़ी तादाद में तैनात जवानों ने मस्जिद के अंदर घुसे लोगों को जबरदस्ती बाहर निकालना शुरू कर दिया। कुछ जवान एक आदमी को खींचकर बाहर ले जाते नजर आए। कई दूसरे लोगों को भी जबरन बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान वहां कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश करते दिखे, लेकिन सुरक्षा बल के आगे किसी की नहीं चली। मस्जिद पहुंचे लोगों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे, लेकिन किसी को भी अंदर नहीं घुसने दिया गया। हरियाणा के सिरसा में शादी के बाद एक जोड़ा घर जाने के बजाय कोरोना की जांच के लिए सीधे अस्पताल पहुंच गया। बताया गया कि दोनों की शादी पंजाब में हुई और इसलिए एहतियात के तौर पर दूल्हा दुल्हन को घर ले जाने से पहले अस्पताल ले गया, ताकि वो दोनों अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें और उसमें या तो दुल्हन में कोरोना के लक्षण हो तो उसका परिवार उससे बच सके। दूल्हा दुल्हन के साथ ही बारात लेकर पंजाब पहुंचे कुछ रिश्तेदारों का भी कोरोना टेस्ट कराया गया। इसके बाद ही उन सभी लोगों को अपने घर जाने दिया गया। कोरोना के बचाव के लिए इस पहल की डॉक्टरों ने भी तारीफ की। खुशी की बात है कि लोग इतने सजग हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का अधिकारियों को धमकी देने का एक वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो 22 मई का है, जब केंद्रीय मंत्री वहां एक क्वारंटीन सेंटर का जायजा लेने पहुंची। दावा है कि उनके दौरे से कुछ दिन पहले इस क्वारंटीन सेंटर में बदइंतजामी का वीडियो बनाने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता से मारपीट की गई, जिस पर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का गुस्सा फूट पड़ा था। 22 मई को हुई इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें वो अधिकारियों को बेल्ट से पीटने की धमकी देती नजर आई। जनपद में बैठ के और आप भी तहसील में बैठ के ना जो भेदभाव कर रहे हैं ना भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, भूल जाइए, अंधेरी कोठरी में ले जाके मैं बेल्ट खोल के ठोकना जानती हूँ। वायरल वीडियो में केंद्रीय मंत्री को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के लिए आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल करते हुए देखा गया। छत्तीसगढ़ सरकार तो ये नंगी भिखारी सरकार, पूरी सरकार हर चीज को छुपा रही है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जिला पंचायत अधिकारी ने भी इस पर सफाई दी। आरोप लगाया है कि हमारे द्वारा उनसे मारपीट किया गया है, जो कि गलत है, पूरा पूर्णतः गलत है। छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक ने भी इस पर केंद्रीय मंत्री को घेरने की कोशिश की। उनकी दिमाग जो है पूरी दिवालिया हो चुका है, पावर में आने के बाद अपने आप को आपा खो चुकी। हरियाणा के सिरसा में शादी के बाद एक जोड़ा घर जाने के बजाय कोरोना की जांच के लिए सीधे अस्पताल पहुंच गया। बताया गया कि दोनों की शादी पंजाब में हुई और इसलिए एहतियात के तौर पर दूल्हा दुल्हन को घर ले जाने से पहले अस्पताल ले गया, ताकि वो दोनों अपने स्वास्थ्य की जांच करा सके और उनमें या दुल्हन में कोरोना के लक्षण होते हैं तो उसका जल्द से जल्द इलाज भी हो पाए। उधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक 15 फीट लंबा
कोबरा मिलने से दहशत फैल गई। बताया गया कि बेहद खास किस्म का कोबरा है जिसे रिहायशी इलाके में देखकर लोग डर गए और वन विभाग को इसकी जानकारी दी। कुछ देर बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंची और कोबरा को पकड़ने की कोशिश शुरू की गई। कुछ देर बाद वन विभाग के लोगों ने कोबरा को एक खास तरह के बैग में भर लिया, जिसके बाद उसे रिहायशी इलाके से दूर एक जंगल में छोड़ दिया गया। अयोध्या में लॉकडाउन के दौरान राम मंदिर निर्माण के लिए 4 करोड़ से ज्यादा का दान मिला। बताया गया कि राम मंदिर को बनाने के लिए लोगों ने ऑनलाइन भी दान किया और दान की रकम को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खातों में जमा करवा दिया गया। कोरोना संकट में लॉकडाउन के बीच भी राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए करीब 4 करोड़ 60 लाख का दान मिला। बताया गया कि राम मंदिर के लिए जमीन को समतल करने का काम शुरू होने के बाद लोग इतने उत्साह में हैं कि लगातार दान दे रहे हैं, जिससे मंदिर निर्माण में पैसे की कमी ना हो। 4 करोड़ और 60 लाख जो दान के रूप में यह रामलला के खाते में आए हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर निर्माण के लिए बहुत कम समय में ही 4 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा हो गई, जिसे राम जन्मभूमि के लिए गठित ट्रस्ट के 2 अलग अलग खातों में जमा करवा दिया गया। अभिनेता कुणाल खेमू की बेटी का वीडियो वायरल हो गया। अभिनेता कुणाल खेमू की बेटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो पियानो बजाते हुए अपने पिता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती नजर आई। हरियाणा के करनाल में एक ही परिवार के 7 लोगों को कोरोना वायरस हो गया। इस परिवार के कुछ लोगों पर दिल्ली से लौटने के बाद जानकारी छिपाने और अपनी दुकान खोलने का आरोप लगा। अब इस परिवार के खिलाफ पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली। एक गंभीर विषय है और इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आज इस संबंध में थाना सिटी में इनके विरुद्ध एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश में PPE किट और N95 मास्क बनाने का काम और तेज हो गया। दावा है कि रोजाना करीब 3 लाख से ज्यादा PPE किट और N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। राजस्थान BJP ने चुरू में एक थानेदार की खुदकुशी के मामले में कांग्रेस विधायक और पूर्व ओलंपियन कृष्णा पुनिया को घेरा और उन पर पुलिस वालों के ऊपर दबाव बनाने का आरोप लगाया। अब इसी थाने के सभी पुलिस वालों ने भी विधायक पर आरोप लगाते हुए IG को चिट्ठी लिखकर तबादले की मांग की। हालांकि इस मामले में कृष्णा पुनिया ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया और मामले की जाँच की मांग की। जाँच जो है वो सतर्य होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर और शानदार फील्डिंग के लिए मशहूर रहे जॉन्टी रोड्स ने रविंद्र जाडेजा की तारीफ की। उन्होंने जाडेजा को फील्डिंग में काफी तेज बताया और उनकी तुलना ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल बेवन से की। MP के ग्वालियर में एक फैक्ट्री में आग लग गई। इस फैक्ट्री में पत्थरों की कटाई छटाई का काम होता है और इसके एक हिस्से में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आग लगते ही वहां से लपटे और धुआं उठने लगा। हादसे के बाद कई लोग भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी। आग से वहां रखी कई मशीनें जलकर राख हो गई और इस हादसे में लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई।